हेलो भाई, आप लोग कैसे हो? तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना, पर कुछ बंदों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। जो जैसे कि एग्जांपल में हमारे शेरी भाई, जिनको कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है और ये लास्ट वीडियो उनके आई क्वाइट के रूप में आई है, और जो इसका थंबनेल काफ़ी कुछ बयां करता है, तो ये काफ़ी दुख भरा होगा क्योंकि उनकी फैमिली यूट्यूब फैमिली 1.8 मिलियन की हो चुकी थी, जो कि काफ़ी मेहनत से मिलती है हम छोटे को क्रिएटर्स के बारे में। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वो कुछ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि न्यूज़, वो अब एक न्यूज़ अपडेटर वीडियो डालते थे, बट पता नहीं क्यों उन पर लगा है। तो इसके बारे में पूरी आपकी डिटेल है हमको शो करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन वीडियो पे उनको कॉपीराइट लगा है, तो उनको वीडियो को हम आपको शो कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो अपन फर्स्ट कॉपीराइट वीडियो जिस पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आई हैं, तो वो वीडियो ये रहा, ज्ञान गेमिंग वर्सेस राय स्टार। तो सेकेंड हमारे वीडियो की खोजने की कोशिश करते हैं, ये रहा 2B गेमर्स और ग्लू YT। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो और ये रहा हमारा सेकेंड वीडियो, इसके सबीर वर्सेस शेरी YT। तो फ्रेंड्स, ये दोनों वीडियो पे हमारे कॉपीराइट आए हैं और ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि शेरी भाई ने कंपेरिजन के तौर पे इसके साबिर और अपने बीच में किया था। तो इस वीडियो के बदौलत भी उन पे कॉपीराइट दी जा रही हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है जो कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है कि आप किसी को फोर्स करके उसके IT से आपको नहीं करा सकता। अगर यह स्ट्राइक देना ही था तो इनको इसके साबिर बॉस देते, बट ये इसके साबिर ने इनको स्ट्राइक नहीं दिया है, किसी और ने इनको स्ट्राइक दिया, तो उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो इनकी कम्युनिटी ये सब काफ़ी ओपी थी फ्रेंड्स, क्योंकि 1.8 मिलियन की फैमिली यही नहीं होती। और उनके व्यूज़ और उनके ये अवार्ड देखिए, ड्रीम बिग वर्ड कार्ड एंड मैजिक हैप्पीनेस, तो ये छोटी छोटी लाइन ही उनके लिए काफ़ी है और वो काफ़ी कुछ बयां कर जाती है। तो यहाँ पे स्काई लॉर्ड की तरफ से तो कुछ लीक्स आई हैं, तो ये देखिए उनके पे कॉपीराइट लगाने का जो पहला शॉर्ट्स है, तो यहाँ पे उनके देख सकते हैं कि आप एक कॉपीराइट 2 कॉपीराइट क्लेम लगा और वो 2 वीडियो पे और एक बंदों की तरफ से। तो मैं नाम वाम के मेंशन नहीं करूँगा। देखिए, ड्यू टू कॉपीराइट टेक डाउन टू हैप्पीनेस रिसीव्ड टू द फ्लोइंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब। और ये जो मैं आपको वीडियो बताया था गुल्लू गिल्ड वार, वही ज्ञान गेमिंग की तरफ से, तो ये तो खैर वो कर सकते कॉपीराइट क्योंकि उन्हीं की वीडियो है। और ये फिर एक कॉपीराइट लगा है, तो फिर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आप हो सकता है कि बहुत सारे जो ये ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं उन पे भी कॉपीराइट लग सकता है, और कॉपीराइट के साथ स्ट्राइक भी लग सकता है, जो कि हम छोटे हुए यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी है, लेकिन हम पे वो एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो इसके बाद फर्स्ट ईयर एक ही बंदे ने किया है इस पे कॉपीराइट, तो इसमें फर्स्ट जितने भी वो कॉपीराइट करेगा पर उनको रिसीव हुआ नहीं, फर्स्ट कॉपीराइट यहाँ पे आ चुका है, मल्टीपल कॉपीराइट के अब रिकेट बाकी है। तो फिर सेकंड यहाँ पे आया है हमारा कॉपीराइट। तो फ्रेंड्स, ये बात मुझे समझ नहीं है कि ये बंदा कैसे कॉपीराइट दे सकता है निजमुल हसन अली, क्योंकि यहाँ पे इसके साबिर दे सकते थे कॉपीराइट, तो ये लीगली होता, पर लीगली तौर पे इसने दिया है, तो ये मुझे कुछ फंडा समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। तो ये सेकंड कॉपीराइट आ गया, लास्ट कॉपीराइट के बाकी है, उनको धमकी दी जा रही है लास्ट कॉपीराइट की। तो कीप सपोर्टिंग, हम लोग सारे छोटे छोटे बड़े कंटेंट्स क्रिएटर्स सब उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, और थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो हम सब लगे हुए हैं उनके हेल्प करने के लिए। तो आगे आप देखिएगा कि उनके साथ क्या होता है, वी होप कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो और वो बस जल्द ही अपने चैनल पे वापस आ जाएं और यूट्यूब उनका चैनल लौटा दे। तो कॉपीराइट के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के लिए शेरी भाई ने स्काई लॉर्ड के पास कॉल किया, तो स्काई लॉर्ड उनके कॉलेज फ्रेंड है, जैसे कि हम लोग को सबको पता है, उन लोगों ने काफ़ी बार एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया है, और तो यहाँ पे बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई है जो कि आपको आगे सुनने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वॉइस कॉपीराइट होती या फिर कोई म्यूजिक कॉपीराइट होता तो इजीली हट जाता, पर ये क्लिप कॉपीराइट है तो ये काफ़ी दिक्कतें करेंगे और उनका चैलेंज डिलीट हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, आप खुद सुन लीजिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को, अरे जोर से बोल भाई, अरे भाई अब ठीक है, अब रुक जाओ, ओबीएस की आवाज बढ़ा देता हूं, हां अब ठीक है बोल। तो आप में जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको पता होगा कि मैं गेम का नाम ज्ञान से रखा हूँ, ठीक है, एंड 7 महीने से मैंने यही रखा है, मैंने चेंज नहीं करा कभी।
कुछ दिनों पहले मेरे को क्या बोलते हैं कॉल आया, बोलते हैं कि अपने चैनल का नाम चेंज कर ले। ठीक है, तो मैंने सिंपली बोला कि नहीं, चैनल का नाम तो चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ गेम का मैं परमानेंट रखूंगा, चैनल का नाम चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा कोई नॉर्मल ये नहीं है ना कि मैं ट्यूशन फीस देता हूँ बैठ के, या फिर बक्स देता हूँ, या फिर कुछ भी टूर्नामेंट का, मैं ये सब नहीं बताता, मैं न्यूज देता हूँ। अब मान लो अगर मैं कोई भी अज्जू भाई के सब्सक्राइबर है, या फिर किसी के सब्सक्राइबर है, तो वो मुझसे पूछेंगे कि भाई तेरा न्यूज चैनल तूने ये क्यों रखा, तो वो तो बोलेंगे ना कि मतलब तू तो एक ही साइड का न्यूज देगा, इसका वो नहीं देगा, मतलब समझ रहे हो, तो मतलब दोनों तरफ से बात नहीं करेगा, एक ही तरफ से एक ही साइड को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ मना कर दिया कि नहीं, मैं चैनल का नाम तो चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपली बोलते हैं कि चैनल नाम चेंज नहीं कर पाएगा तो तू गिल्ड छोड़ दे। तो मैं फिर ये बोला कि भाई गिल्ड छोड़ने का वैसे कोई सीन नहीं है, मतलब मैं गेम में तो सपोर्ट करूंगा हमेशा, सब ठीक है, मैं ऐसे भी किसी से कंट्रोवर्सी का झगड़ा करता नहीं। अपने मैं चैनल का भी ऐसे कंट्रोवर्सी वाला वीडियो नहीं देखा होगा, श्रेय रिप्लाइंग टू दिस दिस एबीसीडी, मैंने वही बोला। तो फिर बोलते कि नहीं, वो सब मैं नहीं जानता, तो सिंपल गिल्ड छोड़ दे। तो मैं क्या कर सकता था बताओ, तो पूरा प्रेशर डाला गया मेरे पे कि नहीं तो तू चैनल नेम चेंज कर, नहीं तो गिल्ड से तेको हटा दिया जाएगा, या फिर छोड़ खुद छोड़ दे। तो मैंने फिर लास्ट में ये सोचा कि मैं कुछ छोड़ दूंगा। फिर आज सुबह 6:30 बजे मैं जब सो रहा था, तो मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा। अब कितना पड़ा, अब जितने भी लोग देख रहे हैं मैं बताता हूँ, मेरे को टोटल 3 स्ट्राइक पड़ा है। मेरे यूट्यूब स्टूडियो मेरे को 3 दिखा रहा है, बट मेरे को मेल आया है 2 का। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ, अगर एक और आया, अब वो एक क्यों नहीं आया मुझे नहीं नहीं आता है, पता। कम्युनिटी गाइडलाइंस होगा वैसे, कुछ सिस्टम होगा उसका, वो जीएसके को उसका ज्यादा पता है स्ट्राइक स्ट्राइक के बारे में। हाँ तीन कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है, तो वो चैनल डिलीटेशन मोड पे तेरा अभी डिलीट हो जाएगा फिर कुछ दिन में। हाँ 3 वहां पर दिखा रहा है अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस पे, तो मतलब फिर रिस्क है फिर ठीक है फिर। इस। अरे टेंशन मत ले, स्ट्राइक तो हटाएगा, इसके बाद भी हटाएगा स्ट्राइक। रुको एक सेकंड, इंस्टाग्राम देखूं, तुमने क्या डाला इंस्टाग्राम पे, देखो इंस्टाग्राम देखो।